और क्या बात पूरे चेहरे वाले चेहरे खाने और वही कटिंग नहीं कर दो आया किन्हें बुला होगा तू डरिया ना कर लोगों के दुआले हो ठोका ठोकी लाई होनी एवं तो डरा दे तू मगर लाई नहीं है ना बाद ट्रेनिंग बस टास्क अगर एक्टिव कर देने ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 20 ਘੰਟੇ ਖੰਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਏ ਕੀ ਮਿਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਸਪੀਡ ਵੇ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ वेरी गुड ये महफिल की कर लो इनको साथ साथ आपने लॉक भी करी जाना है इधर से जैसे ये कितनी आईडी कितनी कॉल मैंने कर ली एक दो तीन चार चार कॉल है तो चार कॉल का ये शो होना शुरू हो गया ठीक है इसके बाद आगे इसको इधर से स्लाइडर से मूव करवा लेते हैं और स्क्रॉल से आप देख चेक कर सकते हैं और भी अगर कोई कॉल है तो वो भी बना लेंगे आई थिंक और कोई कॉल नहीं है दो फ्रेट ट्रक है एक ये ट्रक है और एक ये वाला ट्रक इसको कर लेते हैं हम
ठीक हो गया। चलो इसको ड्रा कर लेते हैं, या इसको करने से पहले पहले जो इधर से ये फेंस गुजर रही है उसको कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम फेंस को करते हैं। इधर होगी कहीं परमानेंट, परमानेंट चीज़ें सारी, तो परमानेंट भी सारी कैटेगरी में, जैसे ये जर्सी बैरियर है, इधर से जर्सी बैरियर ये पहले कर, ये जर्सी बैरियर, ये देखें एक एक क्लिक करते जाएंगे ना तो ये खुद ही आगे मूव होता जाना। इसके बाद इधर क्लिक करेंगे, इधर से पकड़ने से क्रॉलिंग कर सकते हैं, अपनी एरो कीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्लिक को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें क्लिक करते हैं और जस्ट इनको बजा के एंटर प्रेस कर दे करीब ला। इसके बाद है ये जो लाइनें बनाने तो वो भी अच्छी बात है, वरना ये जो पोल है इनको बना लीजिए, परमानेंट चीजें इनको पोल कर दें। ये पोल्स हैं पहले इनको ड्रा कर लेते हैं, लेकिन इधर से नहीं अपने निकालना वरना ये खराब हो जाएगा। ऊपर से ऐसे लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स के करीब से, कभी भी रोटेशन नहीं करनी इसके, इस पॉइंट से बना लें। ठीक हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स पे अगर आपने की तो बाद में हम जिम्मेदार नहीं होगा, काम खराब हो जाता है ऐसे। इसी तरह ये वाला नहीं होता, इधर से इसको ऐसे ड्रा करें और इस तरह इसको आप क्लोज करके नीचे ला के एंटर प्रेस कर दें। लेकिन ये भी पॉल हो गया, अगर तो ये फिक्स फिक्स, क्योंकि ये फिक्स है, ये इधर से हिलाया नहीं जा सकता, तो इसलिए ये मैंने पॉल इसको कर दिया। अगर ये हिलाने के काबिल होता, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते, तो फिर उसको करना था, उसके लिए और चीज़ है, फिर वो ट्रैफिक ट्रैफिक के रिलेटेड जो है ना, इधर से अदर परमानेंट में जाना, अदर परमानेंट में सारे आ जाते हैं, कौन पोल जिसे कहते हैं इम्परमानेंट है ना, इसमें सारा हुआ ये कंस्ट्रक्शन कौन फिर कहना था इसको, अगर ये इधर से हिलने के काबिल होता। अब ये फिक्स चीज़ इसको परमानेंट कर देंगे, ये देखें इसको भी परमानेंट कर लिया, वो तो पहले इधर छोटा था इसलिए वही बना दिया। इधर से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और इधर से आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इधर से अब इसको आप, क्योंकि ये लेन मार्किंग जा रही है, तो हम जाएंगे ड्राइव रोड में, रोड की थिंग्स हैं तो इधर आ जाएगा लेन मार्कर। ये देखें लेन आती है, जो लेन में जा रही है जिसे लेन मार्किंग जिसे कहते हैं, ये मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और आपके सामने जिस तरह मैं वीडियो ये कर रहा हूँ इसी तरह फॉलो करें, फिर आपको पता चलना है इसका। ये देखें जिस तरह ये बना रहा हूँ इसी तरह सामने, इस बार एंटर प्रेस कर दें, ये आपकी इसकी एनोटेशन हो गई। मैं कार से इसलिए ये स्टार्ट करता हूँ कि इधर का अगर कोई खाली एरिया रह गया ना, तो फिर ये सबमिट यू नॉट आस्क, जब इसको सेंड करते हैं फिर सेंड नहीं होता अगर ख़राब हो जाए, तो गलतियाँ और एरर्स को बचाने के लिए ये काम करता हूँ। और आपने लॉक नहीं छोड़ना, लॉक सबको करके रखना है। ये देखें जिस तरह मैं कर, और एरर्स एंड मिशंस आर नॉट एक्सेप्टेड इन इट, एरर्स को क्लियर करके आपका 60% रिजल्ट चाहिए इसके लिए, एंटर प्रेस कर दें। इधर से आप इसको जूम आउट करें,
अब इस पूरे रोड को फिल करने के लिए आप अदर रोड पे जाएं, ये देखें अदर रोड, इसको क्लिक किया इस तरह, सारा आप ऊपर से ले गए क्योंकि सारे लोग हैं, किसी पर भी कलर नहीं फैलेगा इस तरह। वाइट बॉर्डर जो है इधर से आपने क्लिक करते हुए आना है, आपने बीच में कहीं कहीं से भी नहीं करना इसको वरना ख़राब हो जाएगा। ये जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अगर आप सड़क से आते हैं तो ये देखें, अभी आप अगर इस तरह का काम होगा, ये खाली जाके आप ऊपर से इस तरह फिर इसको घुमा के इस तरह लें, ये देखें इस तरह, अगर आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो रहा है तो आप पीछे से इसको दोबारा दोबारा बैग जाके फिर आप इस तरह रीड्रा कर सकते हैं इस तरह। ये इससे कोई मैटर नहीं होता, इट्स डज नॉट मैटर, ठीक है। जब आपका आ जाए इसके सामने तो एंटर प्रेस कर दें, इसके इधर से एंटर प्रेस करें तो ये सारा आपका रोड हो गया। देखिए इसको आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये सारा रोड हो गया, यानी इतना एरिया हमारा कवर हो गया। अब ये जो लाइन गुजरी थी तो गाइस हमने ये बनाई नहीं, ना आपने बताया ना मुझे, चलो कोई बात नहीं, लेन मार्कर पकड़ते हैं इसको, जिसमें हमने कलर फिल करना है उस कलर को मैंने अनलॉक कर दिया। ये रोड में फिल करना था ना, ये बाद में मुझे याद आया तो मैंने इसको अनलॉक कर दिया। इधर से करूँगा जूम इधर रखे, ये बकाया सारे लोग हैं तो हमारा कलर नहीं फैलेगा, ठीक है। सिर्फ मैंने रोड का ही ओपन किया, तो रोड को सिर्फ जिसको एडिट करना है ना उसका कलर आपने ओपन कर लेना, और जिसको फिल करना है उसका कलर सेलेक्ट कर लेना। अब देखें, अभी जैसे एंटर प्रेस करें तो ये देखें गाइस, ये हो गया इसका, ठीक। अब ये जो जाली नज़र आ रही है, ये जाली, ये सारी जो दीवार है इनके भी, इसका लेबल भी आपको अभी बता देता हूँ। तो सो सबसे पहले गाइस आप ये जो ट्रक्स हैं ना इनको क्लियर कर लें, ट्रक्स को फिर मूवेबल, मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूवेबल में जाएंगे, इधर से जाके संभाल भी कर नहीं है ये, इनको आप इधर से क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे, फिर इधर से कर दें, ठीक है। लार्ज व्हीकल्स हैं तो लार्ज व्हीकल में फ्रेट ट्रक आएगा, फ्रेट ट्रक होता है जो काफ़ी भारी और कम सामान लेके जाते हैं उसे कहते हैं। हम इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, और जो जाली के नीचे आ रहा है ना उसको नहीं आपने बनाना, इसके ऊपर वाला जो एरिया ना वो ही सिर्फ बनाना है, जो जाली के ओपेक है, जाली के पीछे ओपेक ऑब्जेक्ट है ना ये वाला, तो उसको सिर्फ नहीं आपने बनाना। वो कह रहा है इसको जूम करने का नहीं समझ आ रही थी, ये देखिए जूम करके आप इसको, इसके लेबल्स अगर आप सही सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका टास्क है ना जो जल्द फिल हो जाएगा। अब आप नाजन कहेंगे कि ये क्यों नहीं नीचे वाला बना रहे, तो जो चीज़ किसी चीज़ के बिहाइंड आ जाए एज इट इज़, यानी कि सवाए कारों के, कार सारी बनानी है, चाहे वो जाली के पीछे है या वो जाली के सामने, कार सारी बनानी है, लेकिन इसके अलावा सारे ऑब्जेक्ट आपने अवॉइड करना है बनाने से। तो इसको एंटर प्रेस करता हूँ, ये जाली थी मैंने इसको नहीं बनाया, ठीक है। जाली के पीछे ये रोड भी आ जाता है, मैंने वो भी नहीं बनाया, थोड़ा सा अगर मैं जूम करके देखूँ थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये सारा इधर तक है, फिर ऊपर से वो दीवार दीवार खुद परमानेंट है। तो अब इससे अगले वाला फिर मैं ऐड करूँगा, फिर इसको मैंने ये लॉक अनलॉक था, मैं इधर से लॉक इसलिए प्रेस करता हूँ कि इसका कलर ना फैल जाए। ये देखें इधर क्लिक करता हूँ, इसके बाद इधर क्लिक करता हूँ, फिर इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये देखें क्लिक करके एंटर प्रेस कर लिए, तो ये हमारा फ्रेट ट्रक टू लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, उस पर जाएँ तो उस पर लिखा हुआ है फ्रेट ट्रक वन। किसी की भी आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट की आईडी सेम हो जाएगी तो आपका टास्क के स्कोर कम हो जाएगा। इसको मैं जूम आउट किया, अब ये जो पोल है, ये पोल है, पहले इसको बना लूँ फिर मैं ड्रा करता, जूम करके आपने उधर से ये शुरू करना है जिधर से इसकी एक्यूरेसी की कोई डिफरेंस को कम मसला ना बन जाए, कोई पिक्सल ना स्ट्रे रह जाए छोटा सा, बाद में फिर सबमिट नहीं होता।
तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इधर से आप बैग में अगर गलत हो जाता है। कंट्रोल जी प्रेस करें क्योंकि नीचे जाली आ रही थी, मैंने वो भी नहीं देखी। इस तरह करके एंटर करें, ये हो गया। ये गाइस जूम करके देखें, अगर ये कलर का आता तो वैसे नहीं, चले फिर भी इसको अगर रिमूव करना हो, ये कलर जो नीचे शो होना शुरू हो गया, इसको रिमूव करने के लिए इस कलर को ऑन करें, और ये परमानेंट जगह ये सारी जिधर ये ऐसा काम हो रहा है, आप इससे कवर कर दें इस तरह सारा, एंटर प्रेस कर दें तो वो डॉट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको करें छोटा। मैंने वो सारे लॉक कर लिए पहले, या ऐसे करता हूँ इधर से ना सारा ही कवर कर लेता हूँ एरिया जितना, एक ही बार सारे ड्रा कर लेते। ये देखें, ये भी गलत है, थोड़ा सा एरिया ऊपर से नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर ही। अब देखते हैं इसको क्या आएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये रोड भी सारा परमानेंट में आ गया, इसको नहीं बना सकता, सिवाय कार की अगर कोई चीज़ है इस तरह अब ऑब्स्टेकल बन जाए किसी चीज़ की या रुकावट बन जाए, उनको आप नहीं कर सकते। मैंने कलर्स ऑफ किए हुए हैं, ठीक है, कलर्स ऑफ करने का यही फायदा है। इधर से एंटर का बटन प्रेस कर दें, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब ये वेजिटेशन, सबसे पहले वेजिटेशन के लिए इधर सिर्फ लिखा होगा कहीं वेजिटेशन, ये देखिए वेजिटेशन है सारी। तो ट्री ट्रंक पहले इनके वो बना लेते हैं तने, जो इनके ट्री ट्रंक्स वो ड्रा कर ले, अगर कोई आ रहे नज़र, ये भी नहीं करना, ये थोड़ा सा नज़र, ये भी नहीं करना, ये बने, यानी जिधर से इसकी ब्रांच बनना शुरू होती है उससे पहले पहले सारा ट्रंक होना, अगर ब्रांच भी आपने ले ली तो वो गलत हो जाना। अब आप अदर वेजिटेशन को सिलेक्ट करके वेजिटेशन कर दो इसमें, क्लिक करके ड्रैग करते रखें, वो होल्ड रखें ड्रैग पे, और इसके बाद एंटर प्रेस कर दें इस तरह। बकाया सारे कलर्स क्योंकि क्लोज हैं तो वो फैलेगा नहीं किसी भी, प्रेस करिए, कंट्रोल जी करता थोड़ा बैक कर ले, थोड़ा खराब हो गया था, इसको सही कर लेते हैं। अगर खराब हो गया तो ऊपर से फेल रहे हैं ऐसे।
तो आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ड्राइव कर रहा हूँ क्लिक करके, और मैंने लेबल सेट किया हुआ है मेडिटेशन का। ये पॉल है, ये वाला, इसको पॉल कर दें। कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा पॉल पॉल है यार। ये सही वॉकेबल, फिर ये भी थोड़ा सा एरिया रहता है वेजिटेशन। अंडरग्रास ठीक है। इसके बाद ये सारा अदर वॉकेबल में है, जैसे साइड वॉक नहीं है ये, अदर वॉकेबल सिर्फ साइड वॉक होती है ये, सड़क के करीब होती है ये। वाइट बॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर दें। तो ये होगी वॉकेबल सरफेस, ये देखें अभी ये रहा वॉकेबल सरफेस। ये रह गई है, इसके लिए आपने एंड पे जो लास्ट आपने सफाई करना था। इधर ऑप्शन है कहीं सफाई का, इधर से नहीं दे, ये देखें ये सफाई का ऑप्शन है। वाइट बॉर्डर से इस तरह क्लिक करते, चारों कॉर्नर पे इस क्लिक करना कि कोई जगह खाली नहीं है, रह जाए पिक्सल को फिल करने वाला खाली ना रह जाए इस तरह। इसको एंटर प्रेस इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करना, टास्क हो गया कंप्लीट। अब एक चीज़ है जो आपको समझानी वाली है, कोई भी कॉर्नर आपने देखना, जो राइट कॉर्नर है ना, वो आपने ये जो ध्यान से देखना, इधर रह जाता है अक्सर खाली रह जाता है सबमिट करने से पहले, इधर से जूम जूम करते हैं ठीक है। ये देखें ये चीज़ इधर से खाली मुझे नज़र आ रही है, ये देखें देख रहे हैं आप, ये कलर देखें, ये देखें कलर, ये जो कलर है ना, इस कलर से सबमिट ही होगा आपको टास्क। ये कलर आएगा इस पर लेके आते हैं, ये स्काई फिल हो गया, तो स्काई को हम करेंगे ओपन। ये आपने कॉर्नर जरूर देखना, ना तो आपने अपर कॉर्नर देखने, ना लेफ्ट ही देखना, कोई भी नहीं देखने, लेकिन जो लोअर बॉटम पे राइट कॉर्नर है वो हर बार आपने चेक करना है सबमिट करने से पहले टास्क। तो इधर हम ये टूल पकड़ दें, इधर से फ्लड फिल टूल है वो नहीं, तो सबसे अच्छा ये टूल है ब्रश टूल। और सबसे ज्यादा कौन सा इधर लेबल है रोड वाला, तो रोड पे जाए, इधर गया रोड,
इस पे जब ये सब सर्कल शो हो जाए क्लिक कर दें, देखिए अब ये ख़त्म हो गया साइन, हमने ये ठीक कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ, अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करके आप इसको चेक कर लें। इसमें ना एक गाइस हमने चीज़ छोड़ दी है, उसे कहते हैं कैट आई। ये देखिए मेरे हिसाब से ये ओरिजिनल, इससे ओरिजिनल का पता चलता है, जो हमारा पहला ओरिजिनल था और ये हमारा सेगमेंटेड है। ओरिजिनल पे क्लिक करके ना आप इधर से देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना ये रह गई, इसे कहते हैं कैट आई। कैट आई कहते हैं बिल्ली की आँख, मतलब ये रात को ये जगती है ना जब सड़क पर चलते हैं लोग, तो इसको नाम ये दे दिया ट्रैफिक रूल्स ने कि ये कैट आई। तो इसको बनाना था, इधर से आप सारे भी ऑन कर सकते हैं, सारे ऑन कर लें। सारे ऑन करने से ये फ़ायदा होगा कि आप अगर क्विक काम करने जाते हैं, ठीक है, क्विक काम करने जाते हैं और टाइम भी आपके पास थोड़ा है, आप ये ब्रश टूल पकड़ें, इसका साइज थोड़ा बढ़ा लें जिस तरह मैंने बढ़ाया, ठीक है, दो तीन इधर डॉट्स लगा दें इस, एक दो तीन, अब सेगमेंटेड में जाएँ फिर पता चलेगा। ये देखें ये सारा बना दिया। अब इसी तरह ये सर्कल ये छोटे पॉइंट्स बनाने के लिए, जैसे ये था, ये देखें ये बना दिया, ये भी कैट आई था। अब ये देखें और कुछ देख लेते हैं, और कुछ भी नहीं है, सारे लॉक कर लें, ऑल लॉक, ये ऑल लॉक और ऑल अनलॉक करने का ऑप्शन है। जिसको मैं कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा जूम भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जूम आउट भी होता है, जूम इन भी होता है। अब आई थिंक ये सारा चाहिए, मैं आप सबमिट करके देखता हूँ गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबमिट। सिर्फ जस्ट ये भी सैमसंग की ट्रेनिंग है और दूसरी ट्रेनिंग विल प्रोवाइड ऑन डिमांड। ओके, देखने गाइज सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैलेंज। एंड बाद में आप इधर से इसको कंटिन्यू कर सकते, कंटिन्यू योर कोर्स। ओके, इधर से मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो देखिए मैं अब ये कंटिन्यू हो जाएगा कोर्स। अब इसके सारा ये कंप्लीट होगा, यू हैव सक्सेसफुली ट्रेनिंग एंड कंटिन्यू करें। और उसके बाद कांग्रेचुलेशन विहेल, इसको इसलिए कहा गया कि विहेल तरह के हैवी टास्क काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि मछली बड़ी होती है, इसको आप इसके इससे मनसूब किया गया, नाम दिया गया कंटिन्यू। तो हमने कंटिन्यू कर दिया, अब किस्मत मतलब उसकी जो करेगा कि किसको आते हैं किसको नहीं आते, ठीक है। इधर से स्टार्ट टास्क करता हूँ, देखता हूँ, बिस्मिल्लाह, चले कोई बात नहीं, मतलब नहीं भी आ रहे तो इसका इसके लिए कोई, या ठीक है वो बंदे की किस्मत है। लेकिन ये ना